एवरीवन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन द क्वेश्चन दैट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट स्टेशनरी न्यूक्लियस जडेज टू फाइव एक एटम है जिसका जडेजोकल टू फाइव है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एनर्जी कितना रिक्वायर्ड देना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ फोर्स ऑर्बिट मतलब उस इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल से फोर्थ शेल में जाना है तो यहां पे एन वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा मतलब ये शेल शेल और N2 मतलब ये फाइनल शेल रहेगी मतलब कहा जाना है और कहा से जा रहा है तो कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर फाइव है मतलब तो है. और सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा एनर्जी डिफरेंस कि एनर्जी डिफरेंस जो क्योंकि शेल चेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हमें एनर्जी डिफरेंस से जाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल्ड के अंदर सब कैलकुलेशन है तो यहाँ पे हम 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू एटोमिक नंबर का स्क्वायर वन अपॉन इनिशियल शेल का स्क्वायर माइनस फाइनल शेल का स्क्वायर ये कैलकुलेशन आएगा इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में तो यहाँ पे डेल्टा ई जो आएगा वो 13.6 पॉइंट जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर फाइव ए तो यहाँ पे फाइव का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे फाइव का स्क्वायर हो जाएगा इन टू यहां पे वन अपॉन थ्री का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे फोर का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल पर एटम, तो यहाँ पे हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव टू यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आ रहा है 1 1 16. तो ये कैलकुलेशन जो आ रहा है सेवन फोर्टी फोर तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन डेल्टा ए का आ रहा है ये जो पूरा कैलकुलेशन जो है वो आ रहा है सिक्सटीन पॉइंट फिफ्टी टू डबल सेवन इलेक्ट्रॉन एटम तो यहाँ पे हम अप्रोक्सिमेटली आंसर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डेल्टा ए e जो है यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटीन पॉइंट फिफ्टी थ्री इलेक्ट्रॉन तो इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड करना पे हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर फोर जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन जो लिखेंगे तो यह हमारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड शेल से फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो हमें जो बोर्स ऑर्बिट है उसको 16.53 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतनी एनर्जी हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी शेल चेंज करने के लिए तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर इज अ करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा I hope you understand the explanation. Thank you.